दोस्तों आपका स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल पे। और अभी हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि यदि आप चाहते हैं कि अपने घर पे लीज को रखें एक्वेरियम बना के, तो किस तरह से आपको रखना है, किस तरह से उसका देख रेख करना है, किस तरह के मटेरियल आपको इसके लिए लगेगी। जिस तरह से आप मछली को एक्वेरियम में रखते हैं उसी तरह से आपको इसको भी रखना है, लेकिन इसका जो देख रेख होता है काफ़ी अलग होता है। इसको उतनी मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं होती है जितना कि मेंटेनेंस हमें मछली को करना पड़ता है। लीज को काफ़ी कम मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है, आप बस उसका रेगुलर ध्यान रखें, पानी चेंज करें और दूसरी कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। ना तो उसे डेली के डेली खाना देना होता है और ना ही उसको डेली पानी भी बदलना होता है। आप उसको इजीली रख सकते हैं अपने घर पे। पहले ही मैं लीज के बहुत सारे उपयोग बताया हूँ, अभी भी बता रहा हूँ कि लीज के बहुत सारे उपयोग है, चाहे वो किसी तरह का स्किन डिजीज हो, स्वेलिंग हो, दर्द हो, कहीं पे भी इसका यूज किया जा सकता है। तो इसलिए आपको चाहिए कि आप अपने घर पे भी लीज का पालन करें, लीज को एक्वेरियम में रखें, ताकि किसी तरह की अगर कोई दिक्कत आती है तो इन फ्यूचर आप उसका यूज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बताऊंगा मैं कि किस तरह से उसको रखना है, किस तरह से उसका ध्यान रखना है। आप वीडियो को पूरा देखें, और एक छोटी सी आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर जरूर करें। लीज का एक्वेरियम तैयार करने के लिए हमको चाहिए जो चीज़ें चाहिए, तीन चीज़ें चाहिए मेनली। एक तो चाहिए हमको डब्बा चाहिए, एक कंटेनर होना चाहिए जो रेक्टेंगुलर शेप में हो, उसके बाद हमको चाहिए मॉस चाहिए और हमको चाहिए स्टोन। ये सारी चीज़ें हो जाए आपके पास तो लीच के लिए सेटअप आप आसानी से बना सकते हैं और उसमें लीच आसानी से सर्वाइव करेगी। आपको बिना किसी देख रेख के, बिना किसी टेंशन के वो बहुत दिन तक आपके यहाँ रह सकती है। एक बार एक लीच अगर डालते हैं तो वो 4 से 6 साल तक ले इजीली वहाँ पे सर्वाइव कर लेगी, यदि आप उसका सही से देख रेख करते हैं तो। आपको चाहिए कि इन लीचों को आप अपने पास रखें, क्योंकि इन फ्यूचर आपको कभी ना कभी ये काम भी देगी। और इसको रखेंगे तो एक अलग सा फीलिंग भी आएगा। मछली तो सब लोग रख रहे हैं अपने घर में, इसका भी आयुर्वेद में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, बहुत महत्व है। तो आप इसको रख सकते हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा इन फ्यूचर फायदा भी होने वाला है। तो चलिए देखते हैं कैसे सेटअप बनाना है, किस तरह से उसको रखना है और किस तरह से उसको मेंटेनेंस भी करना है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले तो आपको स्टोन जो लेना है इस तरह से ले लेना है। स्टोन, ये स्टोन मैंने ले लिया है, और इस स्टोन को साफ़ कर लेना है अच्छे से, क्योंकि हमको घर में रखना है, एकदम साफ़ रहेगा तो अच्छा लगेगा। इसलिए इसको अच्छे से, खूब अच्छे से साफ़ कर ले, 2-3 पानी से साफ़ कर ले। उसके बाद में हमें जो मॉस लिया है, मॉस का आप देख रहे हैं ये जो मॉस है, उसको भी अच्छे से साफ़ कर ले। आप देखेंगे कि मॉस जब आता है तो काफ़ी उसमें धूल रहता है, पत्ते रहते हैं, क्योंकि ये जो कलेक्ट किया जाता है ऐसे ही एरिया से कलेक्ट किया जाता है जहाँ पे धूल पत्ते और कुछ अनवांटेड चीज़ें रहते हैं जो हमको ज़रूरी नहीं है, उसको साफ़ कर लेना है। तो इस तरह से मैंने मॉस को भी साफ़ कर लिया, धो लिया है, और इस तरह से पूरा मॉस मैंने साफ़ कर लिया है। जो भी इम्प्यूरिटी हो, कुछ ऐसे ऐसे चीज़ दिखेंगे, क्योंकि एक मॉस जो उगते हैं ना पेड़ पे और पहाड़ पे उगते हैं, देखिए किसी पेड़ का छाल है जहाँ पे मॉस पकड़े हुए थे, और जहाँ से ये लोग कलेक्ट करते हैं पूरे छाल ही बेच देते हैं। और इस ये जो मॉस मैं ख़रीदा था उसमें काफ़ी ज़्यादा ये छाल निकला, एक बार लिया था उसमें नहीं था, इसलिए मैं आपको इसका लिंक नहीं दे पाऊँगा, चूँकि अच्छी क्वालिटी की ये मॉस हमको नहीं प्रोवाइड किए हैं। तो आप कहीं से भी मॉस खरीद सकते हैं, और ये स्टोन तो आपको कहीं भी मिल जाएगी, ये इजीली अवेलेबल हो जाएगी। जो भी बालू होता है उसमें ये ऐसी इसी तरह का सैंड पाया जाता है। तो आप इसको ले लें, और इस तरह से एक और कंटेनर, आप हमने सबसे बड़ा कंटेनर लिया है जिसमें हम एक्वेरियम बनाने जा रहे हैं लीज के लिए, और एक कंटेनर हमने ख़रीदा है मेगा मार्ट से। आप भी वहीं से जाके खरीद लें या ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि आप किसी मेगा मार्ट से खरीद लें, इस तरह से कंटेनर खरीद लें। मुझे ये 599 का पड़ा था, आप देख लें आपके यहाँ कितना में पड़ता है। तो इस तरह से एक ये होना चाहिए, और उसके बाद हमको किस तरह से बनाना है सेटअप वो देखिए आप। अब हमको ये जो स्टोन है उसको इसी स्टोन से दो भाग में इसको बांट देना है, एक भाग में रहेगा पानी और एक भाग में मॉस रहेगा। तो इस तरह से आप इसको बांट दें, दो भाग में इसको बांट देना है, और उसको इस तरह से आप इसको बांध बना देना है।
इस तरह से करने के बाद अब हमको रखना है मॉस। आप जिस साइड चाहें उस साइड मॉस रखते हैं और एक साइड आपको पानी रखना है। तो मैं इस साइड, थोड़ा बड़ा साइड है तो इस साइड में मॉस रख देता हूँ इधर। ये पूरा मॉस साफ कर लें आप और अच्छे से इसको साफ कर दे, थोड़ा सा भी गंदा न रहे, और तब इसको रखें इधर से। मॉस बिल्कुल उतना ही रखें जितना आपका ये इसका हाइट हुआ है, स्टोन का हाइट हुआ है। इस तरह से आप इसको रख दें और मॉस को हमेशा गीला रखें। यदि आप देख रहे हैं कि कभी मॉस आपका ड्राई हो रहा है तो उस पर पानी ऊपर से छिड़क सकते हैं। इस मॉस में क्या होगा ना, इसमें ही लीच आपके रहेगी जनरली, और इसमें कोकून भी आपको प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से यदि आप सेटअप बनाते हैं तो इस तरह से आपको कोकून भी मिलेगी। और इस साइड हमको रखना है पानी। आप देख रहे हैं कि अब इधर मैं मॉस रख दिया हूँ और इधर से थोड़ा इधर और रख देता हूँ ताकि अच्छा लगे देखने में। ये इधर से गिरने लगा है तो इधर से इधर थोड़ा रख देता हूँ। अब हम जनरली जो पानी होता है टैब का पानी वही यूज करेंगे, जो उसी नॉर्मल पगार का पानी हमको यूज नहीं करना है, है जो पानी यूज करना है नॉर्मल पानी यूज करना है। ये पानी रखेंगे तो पानी मॉस में भी चला जाएगा, जिसके कारण मॉस हमेशा गीला रहेगा, ड्राई नहीं होगा। इस तरह से आप रखें। ये जो हमने बांध बनाया है इसे स्टोन से, उससे थोड़ा नीचे ही पानी रखें। और अब इसमें जो मैंने लीच को प्यूरीफाई करके रखा है, ये जो लीच मैंने पहले ही इसको प्यूरीफाई कर लिया है, डिटॉक्स कर लिया है हल्दी। लीच जो होते हैं उसमें बहुत सारे पॉइजनस पदार्थ जो होते हैं चिपके रहते हैं, इसलिए डिटॉक्स कर दिए हैं। और डिटॉक्स करने से लीच साफ भी थोड़ा हो जाती है, थोड़ा इसका चमक बढ़ जाता है और भूख भी बढ़ जाती है। तो मैंने इसको इसमें रख दिया है और खाने के लिए इसको स्नेल दे दूंगा। आप देख रहे हैं कि लीच पूरा अभी एक्टिव है, और इस तरह से मैं इसको इस साइड पानी में रख दूंगा। आप देखेंगे मैं रखूंगा पानी में, लेकिन ये लीच चली जाएगी इधर स्टोन में और या तो उधर रहेगी। तो इस तरह से आप सेटअप बना सकते हैं। जब भी आपको मौका मिलेगा आप देखिएगा इसको, तो बहुत अच्छा आपको फीलिंग आएगी। एक खेल इसमें बहुत अच्छे से क्रीड़ा भी करेगी। आप देख सकते हैं ये सारी लीचे जाके इधर मॉस में बैठ जाएगी, और जो भी प्रेग्नेंट लीचेज होगी या तो उसको कोकिन उसी में प्रोड्यूस करेगी। आप इस तरह से लीच का सेटअप बना दीजिए, और इसको खुला नहीं छोड़ना है। यदि आप इसको खुला छोड़ेंगे तो ये सारी की सारी लीची एस्केप कर जाएगी, सब भाग जाएगी। तो इसलिए हमको इसका जो ढक्कन है उसमें ऊपर होल कर देना है, पतला पतला एकदम छिद्र कर देना है, और इस ढक्कन को से ढक के ही रखना है लीच को। तो मैं इस ढक्कन में हल्का होल कर दूंगा, उसके बाद इसको ढक कर रखूंगा, और इधर मैं डाल दूंगा स्नेल ताकि जो भी लीच भूखी होगी वो उसको खा लेगी। तो इस तरह से मैंने लीच का सेटअप बनाया है। कैसा लगा आपको ज़रूर वीडियो में बताएं, कमेंट बॉक्स में बताएं। यदि आपको कोई चीज़ पूछना भी हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं।